हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीसी राइडर। तो आज की जो वीडियो है वो अपने जुपिटर BS6 ZX के ऊपर रहने वाली है। तो आज की जो वीडियो है उसमें अपन जो है LED लाइट इंस्टॉल करेंगे अपने जुपिटर ZX में। कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे वायरिंग रहेगी, सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना। तो ये जो आप देख रहे हो साइड में, मैंने जो ये वाइट कलर की जो स्प्लेंडर वगैरह में बाइक में जो है ये रिम लाइट के नाम से भी फेमस है, ये लाइट मैंने इंस्टॉल कर रखी है कट करके। तो ये जो ख़राब हो चुकी है तो ये मैं जो इससे रिप्लेस करूँगा। ये नियॉन लाइट आप देख रहे हो, ये मैंने काफ़ी वीडियो में दिखा रखी है, स्प्लेंडर में भी काफ़ी वीडियो में मैंने बना रखी है इसके ऊपर। तो ये मैं इसमें जो है इंस्टॉल करूँगा। कैसे इंस्टॉल करूँगा वो मैं बता देता हूँ। तो इसको जो है अपने को कट कर लेनी है लाइट को, कैसे कट कर लेनी है वो मैं बताता हूँ। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को मेजर करके और इसको जो है कट कर लेनी है और इस पर शोल्डिंग करनी है। और इसको जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अंदर जो है मैं फोकस कर लेता हूँ अच्छे से। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे जो है माइनस प्लस के पॉइंट मिल जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आपको शोल्डिंग करनी है। अगर आपके पास शोल्डिंग आयरन है, आपको नॉलेज है शोल्डिंग वगैरह करने की, तो आप कर सकते हो ईजिली घर पर, कोई से बड़ी बात नहीं है। और इसको जो है आपको यहाँ पर जो ये ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं इस पे से ही इसको कट करना, वरना ये LED स्ट्रिप जलेगी नहीं और इसमें जो है माइनस प्लस के पॉइंट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसको जो है मैं फटाफट से शोल्डिंग वगैरह करके और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइट मैंने जो है वो शोल्डिंग कर ली है, देख सकते हैं आप मैंने कितनी लेंथ रखी है। तो इसमें जो है वायर मैंने थोड़ी लंबी यूज़ करी है, आप देख सकते हैं ये जो एकदम पतली वायर जो है मैंने वो यूज़ करी है, और इसके अंदर जो है कॉपर की वायरिंग है पूरी। तो इसमें कोई भी ऐसे, और आपको जो है इसको वायर को थोड़े से ऐसे लंबे रखना है, कम से कम आधे मीटर से आपको ऊपर रखना है, 1 मीटर के आसपास, ताकि ये जो अपनी जो फ्रंट फेयरिंग होती है, फ्रंट वाइज़र होता है स्कूटी का, कुछ इस टाइप से जैसे इसमें पहले की वायरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से होते हुए अपनी ऊपर फ्रंट वाइज़र तक आ जाए। तो आपको वायरिंग कुछ लंबी रखनी है, तो इस टाइप से रख आप जो है इसको अपन फटाफट से इसको पुरानी वाली LED इसको निकाल के, और यहाँ पे से जो है पूरा इसको कपड़े से साफ़ वगैरह करके, और फिर इसको जो है मैं LFP की हेल्प से फटाफट से चिपकाता हूँ और फिर कनेक्शन दिखाता हूँ। तो फिर इसको लगाने से पहले फटाफट से जो है मैं फ्रंट वाइज़र खोल लेता हूँ। तो फटाफट से खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी वाइज़र खोल लिया और जो है LED लाइट को अपन जो है LFP की हेल्प से इसको लगाते हैं, फिक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा कनेक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइट मैंने लगा ली है, और कैसे लगाई है वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना, इसको LFP की हेल्प से आपको चिपका देना, और ये काफ़ी अच्छी जो है चिपक जाती है एक ही बारी में LFP की हेल्प से, प्लास्टिक से जो है ये चिपक जाती है अच्छे से। और वायरिंग को कुछ मैं इस टाइप से यहाँ से अंदर करके फ्रंट वाइज़र तक ले आया हूँ, और इसको जो है मैं एक साइड की मैंने लगा लिया, और इसको दूसरी साइड में मैं लगा लेता हूँ, फिर कनेक्शन बताता हूँ। तो अब बात ये आती है फ्रेंड्स कनेक्शन की। कनेक्शन बहुत सिंपल से है, ऐसे कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल कनेक्शन नहीं है, सिंपल से कनेक्शन है। मैंने क्या करा है, इसकी जो दोनों लाइट की लेफ्ट वाली और राइट वाली की जो माइनस वाला पॉइंट है उसमें एक वायर कनेक्ट करके दोनों को, मतलब कि एक साथ जोड़ के उसमें अलग से एक वायर लेके और सीधा उसको बैटरी के माइनस में दे दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये ब्लैक वायर है, और इसमें मैंने एक ब्लैक वायर अलग से अटैच करके ये सीधा बैटरी के माइनस पॉइंट पर यहाँ पीछे की तरफ दे दिया है। और इसका जो प्लस वाला पॉइंट है, अगर आपको जो है DRL के तौर पे करना है तो मैं उसके भी कनेक्शन बताता हूँ और इंडिकेटर के भी बता देता हूँ। तो लेफ्ट वाली लाइट की जो पॉजिटिव वायर है उसको लेफ्ट वाले इंडिकेटर में देना, और राइट वाले की जो है पॉजिटिव वायर राइट वाले इंडिकेटर में देना है। तो इसमें जो है ऐसे इंडिकेटर के कनेक्शन हो जाएंगे, तो ये लाइट जो है आपके इंडिकेटर से भी चलेगी। और अगर आपको DRL पे करना है कि की ऑन करते ही ये चले, तो मैं जो है DRL पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको DRL कनेक्शन बताता हूँ। तो मैं जो है इसमें से इसकी जो प्लस वाली दोनों वायर है लेफ्ट और राइट वाली लाइट की, दोनों की प्लस वायर को एक साथ जोड़ के उसमें एक वायर लगा के, और उसको जो है मैं ये अपना इंडिकेटर फ्लैशर होता है इसकी जो ऑरेंज वायर है इसमें लगा देनी है आपको। तो इसमें जो है DRL के कनेक्शन हो जाएंगे। तो मैं इसको पैक कर लेता हूँ, फिर सीधा आपको लुक दिखाता हूँ। तो अभी जो है मैंने स्कूटी पैक कर लिया अच्छे से, और अभी जो है मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ लाइट को किस टाइप से लग रही है ये ऐसे। तो दोनों साइड की लाइट जो है वो सेट हो चुकी है, और मैं की ऑन करता हूँ और यहाँ पे अपनी लाइट ग्लो करने लगेगी, तो कुछ इस टाइप से अपनी लाइट लगेगी।
तो ये जो है कुछ मेरे को नया लगा, तो मैंने इसमें अपने स्कूटी में ट्राई करा। आप ऐसे अपने मॉडिफिकेशन मतलब कि स्कूटी में इस टाइप की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो इजीली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये जो है एक नया लुक देती है अपनी स्कूटी जो है उसको। तो इसमें जो है आप कोई से भी कलर की LED यूज़ कर सकते हो, ब्लू, वाइट, रेड। मेरे को रेड मेरे पास थी और रेड में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, इस पर लगा के मैंने देखा था, तो मैंने इसमें जो है रेड यूज़ करी है। आप जो है कोई से भी कलर की। तो फ्रेंड्स मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी स्कूटी में, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ के लिए जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ।